दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को बाली चौकी का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाली चौकी में 2.26 करोड़ की लागत विकास परियोजनाएं जनता को सौंपी। उन्होंने 1.16 करोड़ रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाली चौकी के भवन और 1.10 करोड़ रुपए से लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं उपकोषाधिकारी कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल में से बहुत बड़ा वक्त जो है कोविड के कोरोना के इस दौर में भी, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यू के एसडीओ का ऑफिस का भवन है जो 1.10 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा पीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ लगभग 1.15 करोड़ की लागत से, वो भवन बनकर के तैयार हुआ, इनको हमने आज समर्पित किया। और मैं यहां बाली चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूं कितना परिवर्तन है। इस बाली चौकी में लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया और उस दौरान हमने देखा कि बाली चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह सुनता हूं। अगर मैं यहाँ आपके बीच में जहां खड़ा हूं तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी अभी ताजा ताजा बन करके दिया। साइंस ब्लॉक का भी उद्घाटन हुआ, ये भवन भी बाद में बना, छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था, ये भवन बनकर के तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहाँ पर निर्माण करने का हमारा जो एक लक्ष्य है उसको भी हम पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ में बाली चौकी में यहाँ हम आते आते हम देख रहे थे हमारा जो मिनी सचिवालय का जो भवन है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। कितनी लागत से बन रहा है? 7 करोड़ की लागत से आपका भवन बनकर के आने वाले समय में मई के महीने में हमने कहा कि हर हालत में बनकर के ये तैयार होकर के इसका उद्घाटन करेंगे। सीएससी का भवन यहाँ पर बनकर के तैयार हो रहा है, पीएससी से सीएससी का दर्जा हमने इसको दिया और सीएससी का भवन बनकर के यहाँ पर आने वाले समय में हम जल्दी हम कोशिश करेंगे दिसंबर जनवरी के महीने तक ये भी बनकर के तैयार हो। जहाँ सेरिकल्चर का प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया, उसमें काम चल रहा है सड़कों के निर्माण के लिए। मैं कह सकता हूँ कि बाली चौकी सप्तशीर के जो पुराना एक दौर था जब हम इस सप्तशीर के रूप में इसको जानते थे, आज ये तहसील का दर्जा है और इसके अंतर्गत जो सड़कें थी बहुत कम सड़कें थी, आज उस दौर को आप देखिए कि सड़कें गाँव गाँव को पहुँची। हम इस बात से सहमत है कि बहुत जगह अभी तक भी कमियां हैं, अभी तक भी काम करने की जरूरत है, जितना संभव हो सकता है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं।